प्रवीण भाई माधवलाल पटेल, वतन मारु बिलिया, मेहसाणा जिल्लो, सिद्धपुर तालुको, अने अत्यारे सूरत में धंधा अर्थे कपड़ानो मशीन चलावीए छीए। आसाराम जी, आप पे आरोप लगा, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, आप एक उद्योगपति होने के नाते क्या कहना चाहोगे? बस ये हिंदू संस्कृति खत्म करने की चाली है विरोध पक्ष की। बाकी हम तो एकदम मानते हिंदू संस्कृति बनी रहे, हिंदू संस्कृति का वो प्रचार कर रहे थे, इसीलिए उसको मतलब ये आरोप लगाया है। 82 साल के एक हिंदू संत ऐसा काम कर सकते हैं क्या? आपका दिल क्या बोलता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एकदम खुल के बोलता हूँ कि ये आरोप तो बिल्कुल गलत है। अभी इतनी उम्र का आदमी और ये इल्जाम, और कोई इल्जाम हो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये इल्जाम तो हम कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आज बता रहे हिंदूवादी संगठन से लेके बापू के भक्त से लेके और संस्था वाले भी बता रहे कि आदिवासी क्षेत्र में आसाराम जी बापू ने जो धर्मांतरण रोकने का काम किया, इसी वजह से उनको ये सजा मिली है, क्या कहोगे उसको? बिल्कुल बिल्कुल यही मानता हूँ भाई, जो क्रिश्चियन हो रहे हिंदू उनको रोकने के लिए जो कदम उठा रहे थे उसी के सिलसिले में उनको ये फंसाया जा रहा है, ऐसा मेरा दृढ़ मानना है। आपने देखा ये एक उद्योगपति है, इनका साफ तौर पे कहना है कि 82 साल के एक हिंदू संत ऐसा काम कर ही नहीं सकते है, और उनको ईसाई मिशनरियों ने जो बार बार एक ही बात आ रही है, हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ एक ही बात आ रही है कि आसाराम जी बापू ने धर्मांतरण रोकने का काम किया था डांग जिले के अंदर, गुजरात के अंदर, उनके भक्त बड़ी तादाद में आज भी वहाँ लगे हुए हैं, तो उस वजह से आसाराम जी बापू को फंसाया गया। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, उधना सूरत से रफ्तार न्यूज़।